एकदम आपने इतनी दुआएं करी है कि मैं एकदम 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गई और फिर शॉपिंग के लिए चलती। और अब कमेंट्स प्यारे प्यारे से आपके पढ़ के सुनाए जाएंगे। विकी चलो हो जाओ शुरू। छोटी बहू की चलेगी शॉपिंग और मैं आपको दिखाती हूँ। हम आ चुके हैं एलपी के शोरूम पे, जहाँ से हमें सैंडी के फुटवेयर चप्पल लेनी है। एक बात आपको जरूरी बतानी है, कितनी खबर आई है आप सभी को आरती, क्योंकि आज मैं कई दिन में दे रही हूँ, कई दिन बाद हम छत्तीसगढ़ से लौटे हैं, उसके बाद मैं आज आपको आरती दे रही हूँ, क्योंकि मतलब कई दिन से मैं दे नहीं पाई। और सारी मनोकामना भगवान जी आपकी पूरी करे, सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आए। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, मंदिर का दिखाती हूँ। तो देखिए ये है आज का मेरा लुक, कैसा लग रहा है? ये दुपट्टा मंडोला, ये मेरे को बहुत पसंद है, तो सूट साड़ी सब मिलेंगे मेरे पास ऐसे। इसकी हमारे घर में पेंटिंग भी है काफी सारी। और ये देखिए मैंने आज ना ये टॉप्स भी छोटे छोटे इसी कलर के पहने, पूरी मैचिंग हो रही आज। मतलब पता है 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, डाउन थी, तो आज मेरे कई दिन में ब्लॉग बनना, पहले मैंने कुछ नहीं करा, कुछ भी मेरा ब्लॉग नहीं बना कर, आज बनाऊंगी लेकिन थोड़ा सा। हम चले हैं मंदिर। अच्छा ठीक है। मंदिर में पूजा आज का मतलब छठा वो है सोमवार, तो मैंने पूजा कर ली है, विकी ने भी कर ली है, गोलू ने भी कर ली है। हम जल अभिषेक कर आए हैं, पूजा कर आए हैं और प्रसाद चढ़ाई आए हैं, और अब चले हम घर, क्योंकि आज हमें जाना है एम्पोरियो, एम्पोरियो मॉल और आज वहाँ पे सैंडी की छोटी बहू की चलेगी शॉपिंग और मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम जा रहे हैं गुची, एलवी और बड़े ये वाले शोरूम पे, सब पे दिखाते हैं और क्या क्या उसके लिए खरीदारी करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो आप देखना ना भूलें, एम्पोरियो हमारे साथ चलना ना भूलें, हमारे साथ साथ चलें और हम आपको आपको अपने साथ रखेंगे, ठीक है? हर चीज दिखाएंगे क्या ले रहे हैं। मेरी तबीयत अब ठीक है, आज मैं जाने की सोच रही हूँ, तो मान लो कि तबीयत ठीक है, 2 दिन तो मैं खराब ही रही, एक दिन पड़ी रही है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने एक वीडियो नहीं बनाया, एक ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, 2 दिन में बस मैं पड़ी रही हूँ, मेरे को बेहोशी टाइप में, पता ही नहीं रहा क्या था। अब मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी भम्मू आपके सामने एकदम ठीक खिलखिलाती हुई पहले की तरह, 2 दिन तो मैंने ऐसी पड़ी हुई, पता ही नहीं चला। आज का ब्लॉग आप देखोगे तो सोचोगे कि मेरी कितनी तबीयत खराब है, लेकिन परसों का देखोगे तो लगेगा एकदम ठीक हो गई, 2 दिन रही है तबीयत खराब, अब एकदम ठीक हूँ, बढ़िया मस्त खिलखिलाती हुई। आज हम कहाँ मिलेंगे? आज मैं ले जा रही हूँ इन्हें जेब खाली कराना है एम्पोरियो, आज अपनी बहू की शॉपिंग करवाएंगे एलवी गुची से, क्योंकि जो मुझे करनी थी मैं अपनी कर लाई थी, एलवी गुची रह गई है तो यही पकड़ूंगी, आज मेरी जेब खाली करेंगे, आज जेब खाली करूंगी। ठीक है, मॉर्निंग करो, आज करी ना। चलो भाई, तो हम चले एम्पोरियो और देखिए आज का मेरा लुक कैसा ये रहेगा, ये देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक, आज खूब शॉपिंग होने वाली है। तो सैंडी की करोगी या शॉपिंग या अपनी? बीच लवाब में हो ही जाती है, मेरा तो लवाब है, लवाब बहुत महंगा पड़ने वाला आज भाई को, तो मतलब ये समझ लो कुछ भी लेने जा रही हूँ, लवाब में कुछ ना कुछ आना ही आना है, और आज का अगर लवाब मुझे मिल गया गुची एलवी का, बस मैं तो धन्य हो जाऊंगी। देखो क्या पहन रखा उसने पैर में, देखो मुझे को एक घंटे से कह रहा है क्या होगा, मैं तो बुंगली से तो बात क्यों हो रही है बताओ, ये देखो, अरे बुआ की देख ले, और अपने जो तेरे पास जूते हैं ना उन्हें मुझे दे दे, मैं पहन पहन के दे दूंगी। ठीक है फिर, मैं भी हाँ हाँ ठीक है। सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, और सभी का इतना प्यार देख के, इतना सपोर्ट देख के, इतना मतलब मन खुश हो गया कि आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं, और देखो मैं एकदम, आपने इतनी दुआएं करी है कि मैं एकदम 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गई और फिर शॉपिंग के लिए चलती। और शॉपिंग किसकी चल रही है? छोटी बहू की, सैंडी की शॉपिंग चल रही है,
तो उसके लिए मुझे ठीक होना ही था। और आपकी इतनी दुआएं हैं, आप सोचते हो कि हम बम्मू कभी बीमार ना पड़े, एकदम जल्दी से ठीक हो जाए, तो देखो मैं होगी ठीक। और आप कमेंट्स प्यारे प्यारे से आपके पढ़ के सुनाए जाएंगे। विकी चलो हो जाओ शुरू। एक तो किसी का है ये, आप सबको पूजा की ब्लेसिंग देते हो तो भगवान आपके साथ हमेशा है, अच्छे लोगों के साथ सबकी ब्लेसिंग रहती है। हाँ। ये है कोई नीलू, नीलू थैंक यू नीलू। और एक है बम्बली भी, बम्मू पानी खूब पिया करो, कभी कभी हाइड्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से माइग्रेन हो जाता है। हाँ बेटा, तो पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन आपके बताने के लिए थैंक यू बेटा। और एक कविता जी का है, टेक केयर बम्मू जी, वी विल प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। आपके लोग दुआएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूँ। बम्मू जी जल्दी ठीक हो जाओ, वाहे गुरु जी आप पर कृपा बनाए रखे। बम्मू आप बहुत प्यारी हो मेरी माँ। देखो आप लोगों का इतना अच्छा प्यार, इतना प्यार करते हो कि ठीक होना ही था मुझे। कोई भी दर्द आपके जैसे पर्सनैलिटी को नहीं रोक सकता। बात तो सही है, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, गॉड ब्लेस यू। मुझे ये कहा है किसी अंजू प्राइस ने, थैंक यू बेटा अंजू। और बम्मू आप स्टार हो और एक फाइटर हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। अमित शंकर, थैंक यू बेटा। बम्मू जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, यू आर द बेस्ट मदर। बहुत सारे अगर मैं पढ़ते हैं, थैंक यू बेटा सबके लिए, बहुत बहुत थैंक यू प्यारा, थैंक यू दिल से, थैंक यू बेटा दिल से। मैं थैंक यू करती हूँ आप सबके लिए कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे करते हो कि एक तो पता क्या, अगर ये वाले कमेंट्स किसी बीमार को भी सुनाया जाए, मैं तो अब ठीक हूँ, अगर किसी बीमार को भी सुनाया जाए ना, तो वो भी बेटे झट से उठ जाए, और मेरे जैसा बंदा तो एकदम फट से उठ के एकदम खड़ा हो जाएगा बेड से, इतने प्यारे प्यारे सुन के। आपकी दुआएं, आपका मतलब आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्यार इतना है कि बस क्या ही बताऊं, बहुत दिल खुश हो जाता है बेटा सुनके, अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छा अच्छा आपका प्यार, थैंक यू बेटा सबके लिए, बहुत बहुत इतना बड़ा थैंक यू। कम से कम 150-200 कमेंट है सबके लिए, शाम हो जाएगी, लेकिन सबने बहुत बहुत प्यारा करा है, बहुत बहुत अच्छा करा बेटा, थैंक यू। हम आ चुके हैं एलवी के शोरूम पे, जहाँ से हमें सैंडी के कुछ चप्पल लेनी है, तो सैंडी ने मंगाई है एलवी की, जिसे एलवी की पसंद है, तो हम एलवी शोरूम पे आ चुके हैं। अब देखाते हैं अंदर, मतलब कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी, आप भी सिलेक्ट कराना, हम भी सिलेक्ट करेंगे। A few moments later. और एक बात आपको जरूरी मेरे को बतानी है कि हम सैंडी के यहाँ पे जाने वाले थे, हिमाचल जाने वाले थे, तो एक वो मतलब सुनने में बहुत ही बुरी खबर आई है, तो वहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड हो रही है कि हमें अभी ना प्रोग्राम इतना आगे कर दिया है, अभी हमारा पता नहीं क्या हम कब जाएंगे। बाकी मैं एलवी गुची पे उस पर आ गई थी, उसके कप मुझे लेने थे, बैग लेने थे, फुटवेयर लेनी थी, मुझे बाकी चीजें लेने आ गई थी, लेकिन मैं आज एम्पोरियम में खड़ी हूँ। लेकिन क्या करा जाए कि अभी संडी की बिल्कुल अभी कॉल आई है कि मॉम आप ना थोड़ा कैंसिल मतलब भी कर दो, लंप वो कर लो, तो हमने ना आगे का टाइम बढ़ाया, देखती हूँ सेप्टेम्बर में कभी भी जाना होगा तब, क्योंकि इतनी लैंडस्लाइड हो रही है कि हाँ वो खुद भी अपनी मौसी के यहाँ चले गए, वो लोग अपना घर छोड़ कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही मची पड़ी है। तो मैं तो प्रे करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, अच्छा अच्छा हो, भगवान ऐसा कुछ ना हो कि किसी को भी मतलब ऐसे ही इसका सामना करना पड़े। तो मैं सबके लिए भी प्रे कर रही हूँ, सारे हिमाचलवासियों के लिए, सबके लिए, जहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रही है ऐसा कुछ ना हो, भगवान सब कुछ सुरक्षित रहे, सब कुछ अच्छे लोग रहे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रे करती हूँ, और देखिए मेरे को वो प्रोग्राम हमें आगे कर देना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, प्रोग्राम की तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सबके लिए दुआएं करते हैं। देखिए तो ये मैंने लिया है अपने लिए, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये कश्मीरी है ना? नहीं, ये सब पर्शियन ईरानियन कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग चीज है। अच्छा अच्छा, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा है, बहुत ही प्यारी चीज, मेरे को बहुत दिन हटके लगा। और मैं ये भी बताऊंगी कि सैंडी की शॉपिंग तो होगी कैंसिल, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा बहुत ही ज्यादा, तो मैं अपनी शॉपिंग शुरू कर दी। इस बात का मुझे दुख भी हो रहा है कि मैंने आई में उसकी शॉपिंग के लिए थी, अब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अभी सैंडी का फोन आया है कि माँ आप नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही होती हुई। एक सूट मैंने ये लिया है, तो कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, कमेंट करके बताएं। देखना मेरे ऊपर लुक देख के बताएं कि कैसा लग रहा है। बिल्ली बिल्ली वाला। एक मैं सनग्लास लेकर आया हूँ, और अभी आपको बहुत जल्दी मिलूंगा, लगा दो। एक से पहले मैं पहन के मिलूंगा, और फिर गोल गाल लाल मिलेंगे। इस कारण ना मेरे को नाम कुछ नहीं होता, क्या है वैसे बताते हैं कि अच्छा रहता है, शुभ रहता है, पता नहीं क्या होता है इसका, अभी इनसे पूछते हैं ना। इनके लिए, और ये बोलेंगे कि मेरे लिए क्यों करिए, मेरे पास तो पहले से इतने सारे नाइट सूट हैं, और देखना मैं इतने लेके जा रही हूँ, पहनेंगे सब ऐसे ही, काम से आए थे आज, वो वाला काम तो हो नहीं पाया जो सैंडी के काम से आए थे हम। सैंडी का मेरे को एलवी का फुटवेयर लेनी थी, और गुची से बैग लेना था,
वो मैं आज नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ का हो गया हमारा कैंसिल, वहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड हो रही है कि बहुत ही ज्यादा है तो हम ले नहीं पाए। अब मैंने बाकी अपनी शॉपिंग कर ली है, बाइक की शॉपिंग कर ली है, काफी सारे बॉस के मैंने उनके लिए ट्रैक सूट ले लिए नाइट सूट, तो दिखाती हूँ जाके। आज हमारा एम्प्लॉयर है ना, मतलब ज्यादा सफल रहा नहीं, ठीक ठीक ही रहा। ये अब इसे ना गोलू लेके जाएगा तो ही नहीं जाएगा। चलो चलो बाबू के लिए पता क्या रखा बर्फी। सिर्फ मैं मम्मा को मारूंगा, खड़ी खड़ी मैं मम्मा को मारूं। मुझे मारेगा? मैं मम्मा को मारूं। चिरो 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 मारना, चिरो मम्मा को मारना, मम्मा को चिरो चिरो मम्मा ये मुझे मारना। ये था ये कर दो ला मार के ला ले ले चिरो चिरो चलो आओ 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 ले कर आओ ले आओ चिरो ले आओ चिरो तो इसकी तो उसागा ले चलो आओ बाबू को बदले दे दो चिरो ले चलो चलो ले वो दाई नहीं रहा तो कुछ रहा एक आशीर्वाद ये नहीं किसी के सामने बाबू को बर्फी दे रही हूँ बर्फी ठीक है बर्फी खाता है बाबू नहीं ये बर्फी वो देख रहा ये नहीं खाता ये बर्फी खाता नहीं ये मीठा नहीं खाता इसे नमकीन चीज पसंद है ठीक है बाबू आया चलो चलो जल्दी मम्मा का बर्फी। और आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं पसंद आया है तो कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें। आप ना ब्लॉग तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो लेकिन मेरा ना गोल्डन बटन आ ही नहीं पा रहा क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे आप लोग तो गोल्डन बटन मेरा टंगा हुआ है बीच में आई ही नहीं रहा तो भाई लेके आओ जल्दी से लेके आओ मैं गोल्डन ड्रेस पहनूं अच्छी सी एकदम रेडी होंगी और फिर आपके साथ इतनी सारी पिक्चर शेयर करूंगी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी तो जल्दी से मेरा गोल्डन बटन लेके आइए।